बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नावल है जंगी बका, राइटर हैं सवेरा अहमद। एपिसोड 5। क्या बानी बुखारी के दरवाज़े पर मुसलसल बजती अतलाई घंटी दरवाज़े पर मौजूद शख्स की बेसब्री का पता दे रही थी। जो ही मुलाजमा नूरा ने दरवाज़े का एक पटवार किया, ड्राइवर भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। बुखारी साहब कहाँ हैं? इसने मुलाजमा से दरियाफ्त किया। वो तो मेरे दोस्त के घर गए हुए हैं। क्या बात है? वो भी तफक्कर से पूछने लगी। बेगम साहबा कहाँ है? उनसे बात करनी है मुझे। जवाब देने की बजाय आवाज़ भागता ड्राइवर ने अगला सवाल दागा। हाँ अभी बुलाती हूँ। नूरा घबरा कर जल्दी से नरमीन बुखारी के कमरे से उन्हें बुलाने चली गई। कुछ ही लम्हों बाद वो परेशान सूरत लिए वहाँ आ गई। क्या बात है, क्या हुआ है? इन्होंने सवालिया निगाहों से ड्राइवर को देखा। बेगम साहबा वो बात ये हुई कि वो इन्हें सब बताता चला गया। नरमीन ने बे अख्तियार सीने पर हाथ रख लिया। या मेरे खुदा, ऐसे कैसे वो लोग ले गए मिकाइल को? आपने रोका क्यों नहीं? वो ड्राइवर पर चीखी। बहुत ख़तरनाक लोग थे वो बेगम साहबा, उनके पास असला था। मैं उन्हें रोकने में नाकाम रहा। वो हाथ बांधे सर झुकाए नदामत से चोर लहजे में बोला, तुम्हारी इस परेशानी की वजह से वो लोग मिकाइल को ले गए। या खुदा, फैज़ को मैं क्या जवाब दूँगी? परेशानी मसलते वो पंडोलम बनी इधर उधर चक्कर काट रही थी। अजतराबी कैफियत बढ़ती जा रही थी। मॉम क्या हुआ? जीने उतरती माहा इनके नज़दीक आई। मिकाइल अगवा हो चुका है, अब अल्लाह जाने कहाँ होगा। इन्होंने एक ही जुमले में सारी दास्तान इसके गोश गुजार कर दी। इनकी बात पर वो बेअख्तियार हंसती और दीवानों की तरह हंसती चली गई। नरमीन ने तेज़ निगाह इस पर डाली, मगर इसकी हंसी तब भी न रुकी। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई उन्हें अगवा भी कर सकता है। सीरियसली मॉम, आप उन्हें जानती नहीं हैं क्या? पीटते हैं वो लोगों को। उनका एक हाथ पड़ जाए तो अगला बंदा चंद मिनट तक संभल नहीं सकेगा, और ऐसे बंदे को कोई किडनैप करेगा? फॉलिशनेस, वो ज़रूर अपनी मर्जी से गए होंगे। महा का अंदाज कदरे मुतमैन सा था। वो ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मत भूलो कि इससे पहले भी हमला हो चुका है। खुदा ना खास्ता वो कहीं किसी मुश्किल में ना फंस गया हो। नरमीन इसे टोक साथ ही साथ अब वो दोबारा इस फिक्र में गर्क हो गई। इसकी बात पर महा को भी संजीदा होना पड़ा। फैज़ को बताना ही पड़ेगा। आखिरी हल उनके जहन में यही आया, जिसके तहत वो इन्हें कॉल करने लगी। अगले दिन लेफ्टिनेंट जनरल सिपाही हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जनरल के सामने हाजिर थे। उनके ऑफिस में दाखिल होकर सलूट किया, मगर अंदाज ज़रा खफा खफा सा था। छोड़ दिया उसे। जनरल ने बराह रास्त इनकी जानब देखते हुए पूछा, साथ ही ने सीट ऑफर की। यस सर, इनके इशारे पर नशीस्त संभालते हुए इन्होंने जवाब दिया। लेकिन क्यों सर, आपने क्यों इसे आज़ाद करने का कहा? और मुश्किल तमाम अपना लहजा हमवार रखते हुए इन्होंने पूछा। क्योंकि उसे मैंने अपॉइंट किया है बाकर। दोनों हाथ की उंगलियां बाहम फंसाए उन्होंने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इस जवाब पर चूंग चूंग गए थे। वो एक मुजरिम है सर, स्पाई नहीं है। वो हैरान थी इनके फैसले पे। जानता हूँ वह स्पाई नहीं है, लेकिन वो इससे कम भी नहीं है। वो मिकाइल की जगह ली इस बात के लिए फैज़ बुखारी को मैंने ही तैयार किया था, इन्होंने मजीद इजाफा किया। तो फिर हम सर ने इसके पीछे इतनी एनर्जी क्यों ज़ाया की, जबकि आप इसके मुतलक सब कुछ जानते ही थे? बाकर के लहजे में शिकवा दर आया। जनरल साहब रवादारी से मुस्कुरा दिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया था कि तुम्हारी तश्कील दी गई टीम इसके रूबरू होती। वो सोल्जर नहीं है, लेकिन वो काम करेगा तुम्हारी टीम के साथ मिकाइल बनकर, इन्होंने अब की बार तहम्मल से कहा। लेफ्टिनेंट जनरल चंद लम्हों के लिए कुछ ना बोल सके। वो कब से मिकाइल है की जगह धीमी आवाज़ में वो दरियाफ्त करने लगे। आखिर को अब इन्हें ही इसकी कारकर्दगी जांचनी थी। 4 माह से, इन्होंने जवाब दिया। वो 40 साल के आसपास की उम्र वाला गंदमी रंगत और पस्ता कद आदमी लड़खड़ाता हुआ अपने बंगले में दाखिल हुआ। पहलू में इसके खूबसूरत नीम अराया से जिसम वाली कमसन दशेजा भी थी, जो इसे सहारा दिए इसके साथ साथ चल रही थी। ये जो हल्का हल्का सरूर है सब तेरी नज़र का, वो नशे में दूत इस लड़की का रुखसार सहलाते हुए बेहंगम अंदाज आवाज़ में गाता जाता, तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। इसकी ही तरह इसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी और कदम बहक रहे थे। लड़की इसके बेसुरेपन पर खिलखिलाती हुई अब इसे साथ लिए जीने चढ़ रही थी। आपकी बेगम घर में तो नहीं है ना? लड़की इसके बाजू के हल्के में मौजूद सुरख लिपस्टिक से सजे होंठ हिलाते हुए राजदारी से पूछने लगी। गफूर का मुंह इसके सवाल पर ऐसा हो गया जैसे कोई कड़वा बादाम निकल गया हो। आहा, किसका नाम ले लिया सालम लड़की, सारा नशा ही गारक कर दिया। देख पुरसकून घर चीख चीख कर उसकी गैर मौजूदगी की गवाही दे रहा है। इसने शहादत की उंगली घुमाते हुए घर की जानब इशारा किया। माया ने भी इत्मीनान होकर इस बात में सर हिलाया।
वरना कई मर्द बहन शराबियों की बेगमात के हाथों जो इसकी दरकत बनी थी से सोच कर ही उसका खून खुश्क होने लगता था। वो दोनों चलते हुए बेडरूम में आ चुके थे। माया ने अंदाजे से स्विच बोर्ड पर हाथ मारा, पूरा कमरा रोशन हो गया। गफूर ने आओ देखा ना ताओ, लड़की समेत धड़म से बिस्तर पर डे हो गया। माया डार्लिंग, तुम्हारे बाल कितने हसीन हैं, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में इसके बाल सहलाता हुआ कह रहा था, जबकि इसकी तारीफ पर माया खिलखिला कर हंसती। और इन बालों का फंदा बना कर तेरे गले में डाल दिया जाए तो ये और भी हसीन लगेंगे, सर्द मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी थी। गफूर ने हैरानगी से माया को देखा। माया रानी, ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ, इनकी गर्दन छूते वो पल के चपक चपक कर तशवीश से पूछने लगा। मेरी आवाज़ पर मैं तो कुछ नहीं बोली, इसने घबरा कर जल्दी से जवाब दिया। अच्छा तो रुक इधर ही, मैं देखता हूँ ये चुड़ैल बीवी वापस तो नहीं आ गई मेके से। वो नशे में झूलता हुआ बिस्तर पर उठने को ही था जब निगाहों के सामने अचानक नकाब में छुपा चेहरा आया। माया इस अचानक सामने आ जाने वाले शख्स को देख कर पूरी तरह चीख पड़ी। गफूर चत लेटा आँखें फाड़ फाड़ कर इसे देखने पर मजबूर हो गया। अचानक ही उस शख्स ने मोबाइल सामने किया, फिर चंद सेकंड की क्लिप बनाकर इसने महफूज कर लिया, ऐसे कि लड़की का चेहरा नज़र ना आ रहा। इसके बाद वो इस लड़की की जाना मतवजा हुआ। जाओ यहाँ से, सख्त गिर आवाज़ में कहते हुए इसने माया को मुखातिब किया था। वो अपना वजूद छुपाने की सही करते हुए एक ही जिस्त लगाकर बिस्तर से उतरी और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। कौन है तू, तेरी ये हिम्मत जानता नहीं है तू मुझे, गफूर तेज लहजे में चीखते हुए बिस्तर पर उठ बैठा था। इसने अपनी घूरती हुई सुरमिया रंग आंखें इसके चेहरे पर गड़ा दी और अगले ही पल इसका हाथ पूरी कुव्वत से गफूर के मुंह पर पड़ा था। चटाक, ये आवाज़ इसके कान के पर्दे फाड़ने की सलाहियत रखती थी। वो वापस इसी हालत में बिस्तर पर गिर पड़ा। कराकरे थप्पड़ ने सारे आवाज़ ठिकाने लगा दिए थे। केसर ने एक झटके से अपना निकाब उतारा। जो ही गफूर ने इसका चेहरा देखा वह ऐसे चीखने लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। केसर, इसका नाम लबों से आज़ाद करके वो फिर से बुलंद आवाज में चीखने लगा। सियाह बूट वाला पैर बेड पर टकाते हुए इसने झुककर गफूर की गर्दन दबोचते हुए झटके से इसे मुकाबल खींचा। बस एक बार ये सवाल पूछूंगा, अगर सच सच जवाब ना दिया तो तेरा ये वीडियो ना सिर्फ तेरी बीवी बल्कि पूरी दुनिया देखेगी, फिर आकर कहते हुए इसने मोबाइल दिखाकर धमकी दी। मारे खौफ के इसने मेकान की अंदाज में इस बात में सर हिला दिया। जिस के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब सच सच बताओ, इसका चेहरा झुटके से छोड़ते हुए इसने सवाल किया। बताता हूँ सब बताऊँगा, अपने जबड़े से लाता हुआ वो मुश्किल बोला। और फिर जो कुछ भी अली मिर्जा ने पहले जिस से मतलब इसे बताया था वो भी वही सब बताता चला गया। एड्रेस लिख इसका, जेब से राइटिंग पैड और पेन निकाल कर इसके जानब बढ़ाते हुए इसने मुतालबा किया। गफूर ने झट कागज़ थामा और जल्दी जल्दी जितने पते भी जिस के मतलब इसे मालूम थे वो सब लिखता चला गया। आखिर में कपकपाते हाथों से कागज़ इसके जानब बढ़ा दिया। बस मुझे इतना ही मालूम है उसके बारे में, वो जल्दी से बोला, मुबादा फिर से शामत ना आ जाए। इस सतूर को बतौर पढ़ते हुए केसर ने जेरे लब दोहराया, मैं तस्दीक करूँगा तुम्हारे लिखे सतूर की, और अगर कहीं बाद में ये सब जाली निकला तो याद रखना दूसरी बार पता मांगने के लिए यहाँ आने की जहमत नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बना दूँगा। फिर ये जो नई नई शोहरत मिली है ना इलेक्शन की बदौलत, ये सब राख बनकर हवा में तहलील हो जाएगा। कागज़ कलम वापस जेब में रखते हुए खतरनाक तेवरों के साथ इसने संगीन नतायज से गार किया था। नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, ये सब सही पते हैं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ते हुए इसने जल्दी से कहा। केसर मजीद कुछ ना बोला। चंद लम्हे से तेज़ नज़रों से घूरने के बाद वो दरवाज़ा पार कर गया। इसके जाते ही गफूर ने सीने पर हाथ रख के कब की अटकी हुई सांस बहाल की थी। फिर कुछ सोचते हुए चेहरे पर गुस्से भरे तासरात उभरे। सारी रात खराब कर दी कमीने ने, वो पीछे इसको कोसने देता रह गया। फरजाना बेगम इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थी, साथ ही हाजरा शफीक इनके बराबर वाली नशिस्त पर बर्जमान, बड़े ही खुशगवार मूड में थी। और सुनाएं घर पर सब खैरियत है, शफीक भाई की तबीयत अब कैसी है, वो मुस्कुराते हुए दरियाफ्त कर रही थी। हाजरा का चेहरा फीका पड़ गया। बस जैसे तैसे चल रही है ज़िंदगी की गाड़ी भी, पालच के मरीज बला कहाँ और कैसे हो सकते हैं। फरजाना बहन वो आँख के गोशे पर आया आंसू का कतरा साफ करते हुए बोली। फरजाना को इनके चेहरे पर तहरीर दर्द साफ नजर आ रहा था। आप बहुत हौसला मंद हैं हाजरा, इतने कड़े वक्तों में भी आपने अपनी छोटी सी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल लिया। इन्होंने दिल से इनके लिए ये बात कही थी, ऐसे कड़े इम्तिहानों से तो वो भी गुजर चुकी थी बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरे हालातों से, मगर फिर भी इनका एहसास दिल हाजरा की तकलीफ़ को महसूस कर रहा था। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, जानकर सब्र कर ली। सच पूछे तो अद्दान ने मेरा बहुत साथ दिया है,
वाकई एक बेहतरीन बेटा साबित हुआ। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, वो दिल से दवा गोर थी, लहजे में माँ जैसी शफकत थी। बेशक आप बहुत खुश नसीब हैं जो इतना फर्माबरदार बेटा दिया है अल्लाह ने आपको। सच ही कहते हैं कि खुदा अगर अपने बंदों से कुछ लेता है तो उनसे कई गुना कई ज़्यादा से नवाजता भी है। वो शुक्र का कलमा पढ़ते हुए बोली, कम नसीब तो आप भी हर किस्ते हैं फरजाना, आपकी बेटी भी लाखों में एक है। इनका लहजा तो सीफी था। फरजाना इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी, आप चाय लें या ना ठंडी हो रही है, इन्होंने कब उठा कर इन्हें दिया जिसे उन्होंने थाम लिया। दरअसल मैं जिस के सिलसिले में ही आपके पास आई हूँ फरजाना, असल बात की तरफ आते हुए इन्होंने तहमीद बांधी। जिस के सिलसिले में इन्होंने सवालिया निगाहों से हाजरा को देखते हुए इन्हीं के अल्फाज दोहराए, जी हाँ मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ, अदनान के लिए जिस को आपसे मांगने आई हूँ फरजाना, इन्होंने मुस्कुराते हुए बिल आकर कह दिया। फरजाना बेगम खुशगवार हैरत से इन्हें देखने लगी, जिस अदनान के लिए? जी हाँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप चाहें तो सोचने के लिए वक्त ले सकती हैं, मैं सामने ही तो रहती हूँ, जो आपका जवाब है मुझे कभी भी इससे आगाह कर सकती हैं, इन्होंने मज़ीद इजाफा किया। हाजरा की बात पर वो लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गई। मैं कल शाम तक आपको जवाब दूँगी, जिसकी राय भी ले ली है, इन्होंने मुनासिब अल्फाज में जवाब दिया। बेहतर, फिर कल मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी, इन्होंने मुतमिन लहजे में कहा, फिर वहाँ से उठकर चली गई। जबकि फरजाना अब जिसके जवाब से मुतलक सोचने लगी, बजहर तो इन्हें इस रिश्ते पर किसी किस्म का कोई इतराज़ ना था, मगर जिसका जवाब जानना भी इनके लिए अहम था। अपने कमरे में मौजूद वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा, लबों में सुलगते सिगरेट के साथ साथ वो खुद भी सुलग रहा था। अंधेरे कमरे में सिर्फ जलती सिगरेट का शोला ही नजर आ रहा था। कमरे के खुले दरवाजे पर आहट उठी, क्या जवाब दिया उन्होंने? इसके लबों ने हरकत की थी, दबाव में चल रहे सवाल को बाहर का रास्ता दिया। वो खुद नींद रजामंद लग रही थी, मगर जिसके जवाब के लिए कल तक का इंतज़ार करना होगा, इन्होंने इतला दी। मुझे यकीन है उसका जवाब हाँ में ही लाएंगी आप, अंधेरे में इसके होले की जानब देखते हुए बारी आवाज में कहा, अंदाज कुछ बावर करवाता हुआ था। हाजरा के गले में कुछ अटकने लगा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसका जवाब हाँ में ही होगा, वो जल्दी से बोली, वो इतना यकीन क्यों है आपको? इसके लहजे में काट दी, क्योंकि इनकार का कोई जवाब बनता ही नहीं, इनका लहजा पुर यकीन था। वजह है मिसिस शफीक, वजह है उसके पास चेहरा नहीं देखा उसने मेरा, इस बात पर वो एतराज़ उठा सकती है, वो बेजारियत से बोला। हाजरा अंदाजे से चलती हुई इसके बेड से ज़रा फासले पर आ रुकी, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, तुम उसे उठा कर ले जाओ और नका कर लो उससे, इन्होंने अपने तेईस आसान हल पेश किया। मुझे अगर उसे रुसवा करना होता तो कब का ये काम कर चुका होता, मैं चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से अपने तमाम जुमला हकूक़ मेरे नाम करे, और उसे ये करना ही होगा। इसका चेहरा तो नज़र ना आ रहा था, मगर आवाज़ इसके इरादों का पता दे रही थी। ये तो फिर बहुत मुश्किल है, अगर उसने तुम्हें देखने या मिलने पर जोर दिया या फिर उसकी माँ ने इसरार किया तो मैं क्या कहूँगी फिर उनसे, इन्होंने अपनी परेशानी बताई। इसने सिगरेट ऐश के में मसल दी और साथ ही लैंप रोशन किया। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं और बदबू फैली हुई थी। वो अब साइड में इस पर से अपना वॉलेट और चाबी उठा रहा था। हाजरा बेगम की जानब इसकी पुश्त थी, ये मेरा सदत नहीं है मिसिस शफीक, ऐसी मिसाल से निमटना आपका काम है, बेनियाजी से कहते हुए वो ड्रेसिंग मेज के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। फिर उंगलियों से बाल संवारने के बाद अपनी चीज़ें कोट की जेब में रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो परेशानी से बेड पर बैठती चली गई। या मेरे खुदा, बस ये मुश्किल भी किसी तरह हल हो जाए, और दिल ही दिल में दवा गो थी। वो इस वक्त फैज़ बुखारी के साथ उनके कमरे में मौजूद था, इनके अलावा नरमीन बुखारी भी वहीं मौजूद थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, वरना मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, इन्होंने इसका झुका चेहरा देखते हुए फिक्रमंदी से कोई तीसरी बार ये जुमला कहा। वो ठीक है बेगम, तुम परेशान मत हो, फैज़ साहब ने इन्हें तसल्ली दी, इन्होंने इस बात पर सर हिला दिया। इसने निगाहें उठाकर फैज़ बुखारी की जानब देखा, इनकी निगाहों की तहरीर पढ़ते हुए वो नरमीन की जानब मतवज्जा हुई। नरमीन बेगम ज़रा कॉफ़ी पिलवा दो अच्छी सी, फैज़ साहब ने फरमाइश की। जी आप दोनों के लिए भिजवाती हूँ, इन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, साथ ही कमरे से चली गई। हाँ तो बरखुदार, अब बताओ क्या बात है, इन्होंने इसकी जानब देखते हुए संजीदगी से सवाल किया। मैं शादी कर रहा हूँ, इसने धमाका किया। फैज़ बुखारी कुर्सी पर आगे को हो बैठे, किससे, इन्होंने अगला सवाल दागा। इसने लब कुचलते हुए एक नज़र इनकी जानब देखा, फिर अगले ही पल जेब से तस्वीर निकाल कर अपने और इनके दरमियान मौजूद कांच की मेज़ पर डाल दी। इन्होंने चूम कर इस तस्वीर को देखा,
जिसमें सब्ज आंखों और शहद रंग बालों वाली लड़की का कैद था। यह है वो लड़की, जीस तबासी। तस्वीर की जानब इशारा करते हुए इसने जवाब दिया। अंदाज बेहद संजीदा था। फैज बुखारी बेयकीनी से इसे देखने लगे। तुमने क्या सोचकर यह फैसला किया है? इसके चेहरों के निगाहों में रखते हुए इन्होंने सवाल किया। अंदाज से साफ लगता था कि इन्हें किसी किस्म का शक है इस पर। जैसे ने गहरा सांस भरा और तस्वीर वापस उठाकर जेब में रख ली। यही कि आपने मुझे 12 ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मशवरा दिया है, तो बस उसी पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाने उचकाते हुए इसने हत्तल मकाम लहजे को सरसरी रखा। जानता था वो के मुकाबल चील की निगाह रखता है। इतनी आसानी से इन्हें वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता था जैसे इरादों को बना लिया करता था, जैसे औरों को बना लिया करता था। अचानक तुम्हें इस मशवरे पर अमल करने का ख्याल कैसे आया? इससे कबल तो तुमने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि तुम शादी कर रहे हो। वो मशकूक निगाहों से इसे देख रहे थे। किसी तौर वो ये मानने को तैयार ना थे कि कैसर इतनी जल्दी ये फैसला ले सकता है। वो खुद गवाह थे। अलविना के लिए इसकी तड़प, इसका दर्द फैज़ बुखारी से कुछ भी तो नहीं छुपा था। वो वाकिफ़ थे इसकी दीवानगी से, इसलिए ये बात इनके लिए इतनी आसानी से हज़म होने वाली थी भी नहीं। अचानक कहा, पूरे 2 साल लगे हैं मुझे इस कम से निकलने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेने के लिए। 2 साल बहुत होते हैं किसी का सोग मनाने के लिए, इन्हें समझाने के लिए। इसे अपने दिल पर मनों के हिसाब से बोझ लादना पड़ता है, वरना हकीकत तो कुछ और भी है। अलविना को बुलाने के लिए एक पूरी ज़िंदगी भी इसे कम पड़नी थी। जब तुम खुद कह रहे हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया, तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? बल्कि ये तो एक तरह से खुश आइंद बात है। मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, इसका शाना थपक कर कहते हुए इन्होंने इसे अपने साथ का यकीन दिलाया था। केसर पुरसकून होकर इस अरसे में पहली बार मुस्कुराया। ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, मगर तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें ये दूसरा मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम अपनी सबका ज़िंदगी से सबक लेते हुए अपने आने वाले कल को बेहतर अंदाज में जीने की कोशिश करोगे, माजी की अपनी गलतियां नहीं दोहराओगे। साथ ही इन्होंने भरपूर तनबिया भी कर दी थी। इनकी बात पर इसने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया, फिर मजीद गोया हुआ। आपसे एक गुजारिश है, फिलहाल घर में ये बात किसी को ना बताइएगा। निकाह के बाद मैं उन्हें खुद सब कुछ बताऊंगा और जिसको आप सबसे मिलवाऊंगा। इसे अपने खेल के बिगड़ने का खदशा था, लिहाजा फिल वक्त वो किसी को भी इस राज से वाकिफ़ नहीं होना देने चाहता था कि जिस असल में कौन है, वरना फैज़ साहब से कुछ बेद ना था कि वो इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं नरवीन और महा से कोई बात नहीं करूँगा अभी, लेकिन भाई बाद में अगर इन खवातीन ने बुरा मनाया तो मुझे इल्ज़ाम ना देना। खिलाफ तवक्का वो इस बात के लिए मान गए थे। नहीं दूंगा इल्ज़ाम आपको, मैं संभाल लूँगा सब बात। इसने भी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, जिस पर फैज़ साहब मुतमीन से हो गए। तब तक नरमीन बेगम भी कॉफ़ी का ट्रे थामे वापस कमरे में आ चुकी थी। वो दोनों अब इस मौजू से हट कर गुफ्तगू करने लगे। डॉक्टर सोबिया शेख की हदायत पर अमल करते हुए रोज़ की तरह फरजाना बेगम आज भी से घर से बाहर चहलकदमी की घर से खुली फिजा में ले आई थी। पिछले 3 दिनों से ये इनका मामूल बन गया था, जिसका इसकी तबीयत पर मुस्बत और ख़ास रखवा असर हुआ था। इनका इरादा इसे अपने और हाजरा के मुबैन कल होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताना था। आखिर को आज इन्हें जवाब भी तो देना था। शाम के इस ताज़ा मंजर में कई दीगर लोग भी इस वक्त पार्क में मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद बढ़ने लगी थी। क्या बात है अम्मी, कुछ कहना चाहती हैं आप? इसने एक नज़र ही इनके चेहरे पर मौजूद कश्मकश को भांप लिया था। वो दोनों ज़रा देर को चलने के बाद अब बेंच पर आ बैठी। फरजाना बेगम ने अपने ख्याल से चौंक कर इसकी जानब देखा। वो उदासी से मुस्कुरा दी। कहना चाहती तो हूँ पर तुम्हारा रद्दअमल सोचकर फिर रुक जाती हूँ, इन्होंने सर्द आप बरते हुए जवाब दिया। आप ऐसा क्यों सोचती हैं अम्मी? मुझे कुछ भी कहने से पहले आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं, आप जो चाहें कह सकती हैं, इनकी शाने से लगती हुई वो मुतमिन अंदाज में बोली। बहुत दिनों बाद तो इसे ये सुकून भरी सांसें मैसर आई थी। न कोई बुरा ख्वाब, न ख्वाब इसका चैन खराब कर रहा था, ना ही कोई साया इसे डराता था। वो यकीन कर लेना चाहती थी कि हाँ, शायद वो सब इसका वहम ही था। तो फिर मुझे बताओ अदनान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? इन्होंने बिलाकर अपना सवाल इसके सामने रख दिया। जिसने इस सवाल पर ठटक कर असर उठाया, फिर संभल कर बोली, हाँ अच्छा ही होगा वो, मैं इसे ज़्यादा नहीं जानती हूँ, आम से अंदाज में कहते हुए इसने शाने उचका दिए। कल अदनान की अम्मी आई थी
तुम्हारे रिश्ते के लिए। इन्होंने कल हाजरा से हुई सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। मुकम्मल बात सुनकर वो हैरान रह गई। इतनी जल्दी रिश्ता, अभी हमें यहाँ शिफ्ट हुए एक महीना भी नहीं हुआ अभी, और इतनी जल्दी वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ, जबकि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इसने एहतजाज उठाया, शादी हो जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जान लोगे उसे बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। इन्होंने समझाया, ओह तो मतलब आप राज़ी हो चुकी हैं इत्मीनान के लिए। अम्मी इसके बारे में आकर हम जानते ही क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी और हाजरा आंटी की 3 या 4 बार मुलाकात हुई है, और मेरी भी उनसे सलाम दुआ से ज़्यादा कोई और बातचीत नहीं हुई। फिर भला उन्होंने कैसे पसंद कर लिया मुझे। इसे यह बात किसी तौर हजम नहीं हो रही थी। कोई भी अजनबी हमेशा से अपना नहीं होता है चंदा, जान पहचान होने के बाद ही वो अपना बनता है। जब तक हम अगले को मौका नहीं देंगे तो कैसे अपना बनेगा। और फिर मेरी बेटी तो है ही इतनी प्यारी कि एक नज़र देख कर कोई भी बासानी पसंद कर सकता है। इसकी थोड़ी ऊंची की वो मोहब्बत पाश लहजे में बोली, मगर जिसके अंदर से कोई इसे झंझोड़ रहा था, इनकार पर उकसा रहा था, क्या सोचने लगी। इसे ख्यालों में डूबता देखकर इन्होंने पुकारा, हूँ कुछ नहीं अम्मी, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। वो अफसुर्दगी से कहने लगी, कोई जल्दी नहीं अजीज़, 26 बरस की हो गई हो तुम, ये फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, मगर मैं तुम्हें वक्त देती रही यही सोच के कि तुम खुद को तैयार कर लोगी। वो तासुफ से बोली, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। वो कौफत से गोया हो, बिना किसी ठोस वजह के अगर तुम किसी अच्छे रिश्ते से इनकार करोगी तो मैं इस इनकार को तुम्हारी नादानी ही समझूंगी। इसलिए अब तुम ये नादानी छोड़ो और अपना माइंड तैयार कर लो, क्योंकि मैं अब अदनान की वालदा को मुस्बत जवाब ही दूँगी। इन्होंने भी अपनी बात पर जोर अंदाज में कही, जिसने बेबसी से लब काटते हुए सर हाथों में गिरा लिया। अब ये एक नई मुसीबत थी। वो उजलत में घर से बाहर निकल रहा था जब पीछे से माँ पुकारी, भाई रुके मैं अभी आती हूँ, मुझे ताबीन के घर छोड़ते जाइएगा प्लीज़। वो भागती हुई इसके सामने आई और लजाजत से कहने लगी, ड्राइवर कहाँ है। कमर पर दोनों हाथ जमाए वो पूछने लगा। माँ गड़बड़ा सी गई, वो ड्राइवर की तबीयत नहीं ठीक ना थी ना, इसलिए इसने जल्दी से बात बनाई, लेकिन तुम्हारी अपनी गाड़ी भी तो है ना, और तुम चलाना भी जानती हो। एक आईब्रो उठाकर कहते इसने इसके तमाम बहानों पर पानी फेर दिया। कुछ न बन पड़ा तो इसने मुंह फुलाकर चेहरा झुका लिया। देखो माँ, तुम जानती हो ना मुझे उस लड़की से कितनी चिढ़ है, और मैं उससे दूर ही रहना पसंद करता हूँ। अपनी पेशानी मसलते इसने बेबसी से जवाब दिया। बहरहाल वो अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकता था। आई प्रॉमिस मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं कहूँगी, आप बस मुझे बाहर ही छोड़ जाइएगा प्लीज़, वो इल्तिजा करने लगी। मिकाइल तभी पीछे से भारी आवाज़ गूंजी थी। जी, वो जवाब देते हुए मुड़ा, क्या बात है। फैज साहब ने सवारियाँ निगाहों से इसकी जानब देखा, और इससे कबल के कोई जवाब देता महा जल्दी से आ गया। डैड देखिए ना, मैं कब से कह रही हूँ इनको कि मुझे तबीन के घर ड्रॉप कर दे, मगर भाई मुझे मना कर रहे हैं। वो मुंह बनाए इनकी अदालत में अपनी शिकायत लेगी। ड्रॉप कर दो बहन को जहाँ कह रही है। इन्होंने अब इसकी जानब देखते हुए माह की सिफारिश की। जी ठीक है। वो जो माह को तब से नाना किया जा रहा था, फैज़ बुखारी के एक बार कहने पर ही अच्छे बच्चे की तरह हुक्म बजा लाया। अरे थैंक यू डैड, वो खुशी से कहती हुई इनकी गली लग गई। अब जाओ, इन्होंने मुस्कुराते हुए इससे कहा, जो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। मिकाइल को देखकर फखरिया अंदाज में शाने उचकाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। बिगाड़ रहे हैं आप इसे, इसने मखसूस लबो लहजे में फयाज बुखारी को मुखातिब किया। अरे भाई, एक ही बेटी है मेरी, छोड़ाओ इसे, मुझे यकीन है आज के बाद वो लड़की तबीन तुम्हें तंग नहीं करेगी। इन्होंने मुस्कुरा कर कहते हुए इसे कुछ समझाना था, जिसे समझ कर इसने इस बात में सर हिला दिया, खुद भी वहाँ से चला गया। ये अच्छा है, मैंने जब कहा कि तो आपने मना कर दिया और डैड को फौरी हाँ कह दिया। नो वंडर, डैड मुझे आपकी मसाले क्यों देते रहते हैं, इसके बराबर बैठी माँ ने नाक चढ़ा कर कहा। इसकी बात पर वो नाचाते हुए भी मुस्कुरा दिया। हाँ, क्योंकि वो डैड हैं, इनकी बात तुम्हें भी नहीं डालनी चाहिए गुड़िया, मोर काटते हुए इसने इसे अपने मशवरे से नवाजा। लो भई, अब आप भी मोम जैसे मशवरे देने लगे मुझे, वो चिढ़ गई। तुम्हें इन मशवरों की ज़रूरत भी है बहना, क्योंकि तुम जिनकी सोबत में रहती हो लोग खुद तो बिगड़े हुए हैं ही, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी अपना जैसा बना ले, इसने संजीदगी से कहा। और माहक बखूबी जानती थी कि वो किसकी बात कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस ज़्यादा बोलती है, इसलिए आपको भी पसंद शायद। वो इसके संजीदा चेहरे की जानब देखते हुए तबीन की सफाई में इतना ही बोल पाई,
और वादा कहीं वो बुरा ना मना ले, मगर इसके स्पार चेहरे और ब्राउन शेडर्स तले छुपी आंखों से वो कुछ अखस ना कर सकी। इसी वक्त डैश ट्रे पर पड़े इसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। इसने उठाकर एक नज़र माह को देखा। इसकी सारी तवज्जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर थी। मुतमिन होकर इसने पैगाम खोला। वो हाजरा शरीफ की जानिब से था, मुबारक हो जिस इस रिश्ते के लिए राजी हो गई है। बस ये एक सतर लिखा था। लम्ब भेज कर इसने मोबाइल वापस डैश ट्रे पर फेंक दिया। चेहरे की संजीदगी अब कुछ और बड़ी थी। 15 मिनट बाद गाड़ी एक बंगले के सियाह गेट के सामने रुकी थी। इससे कबल के माह गाड़ी से उतरती। इसी वक्त गेट खोलकर वो बाहर आई थी। माह गाड़ी से उतर गई। इसका इरादा वहाँ से निकल जाने का था, मगर ताबीन इसकी जानब खुली खिड़की की फ्रेम में आ गई, जबकि माह घर के अंदर जा चुकी थी। कहाँ गायब थे इतने दिनों से आप, ढूंढने से भी नहीं मिलते। वैसे शिकवे कह रही थी जैसे इन दोनों का तल्लक मामूल हो, या जैसे दो दोस्त एक दूसरे से मुखातब हों। हालांकि वो तो खामोश बल्कि बेजार सा बैठा था। हटो यहाँ से, मुझे देर हो रही है, हमेशा जैसा सर्द लहजा। वो जो पहले ही खुद से ज़िंदगी से खफा हुआ बैठा था, ये लड़की इसके लिए दर्द सर बनी हुई थी। नहीं हट रही मैं, जब देखो तब करेले चबाए बैठे होते हैं। कभी अगर सीधे मुंह बात कर लेंगे तो आपकी और शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी, मैं यकीन से कहती हूँ। वो तंदी बोली, तुम्हारी कोई इज्जत नफ्स भी है या नहीं, मैं तुम्हें मुँह भी नहीं लगाना चाहता। तुम प्यार मोहब्बत की बातें एक्सपेक्ट करती हो मुझसे, इसका दिल क्या कोई इस लड़की के अकल पर मातब करे? क्यों नहीं कर सकते आप? इधर देखें मेरी तरफ, बड़ाई हुई आवाज़ में कहते हुए इसका मजबूत बाजू खींच कर अपनी तरफ मतवजा किया, जबकि तबीन का दूसरा हाथ इसके खुले गिरबान को जकड़े हुए था। वो इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, क्या इस बात के लिए मुझे सजा देंगे अब आप? इसकी सियाह आँखें नमकीन पानी से भरने लगी थी। कैसे के चेहरे पर मौजूद सख्त असरात अब भी ना बदले। इसने एक नज़र अपने गिरबान पर मौजूद इस नाजुक हाथ को देखा, फिर अगले ही पल एक झटका देकर बड़ी बेदर्दी से इस हाथ को वहाँ से हटाया, जिसके नतीजे में सुरमई शर्ट के ऊपरी 2 बटन ताबीन के हाथ में आ गए थे, जबकि अब इसने अपने बाजू पर मौजूद इसका दूसरा हाथ भी बुरी तरह झटक दिया था। साथ ही इसे गाड़ी से परे धकेल दिया। वो लड़खड़ा कर बमुश्किल गिरते गिरते बची। इस दुनिया में हर कोई रोग कोई ना कोई किसी न किसी ये जुमला कहता है, जिसके नतीजे में अगला शख्स बर्बाद होने को भी तैयार हो जाता है। खुशकिस्मत हो तुम जो मैंने तुम्हें इस बर्बादी से बचा लिया है, क्योंकि जितनी तकलीफ नामुकम्मल मोहब्बत देती है ना, उससे कई ज़्यादा अजियत उसकी तकमील पर मिलती है। मेरे लिए तुम्हारा ये जुमला रोज़मर्रा की बातों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, इसलिए घर जाओ शाबाश और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हारे अभी खेलने कूदने के दिन हैं। इसका धुआं धुआं होता चेहरा देखते हुए वो सदमहरी से कहता हुआ, इसका दिल छलनी छलनी कर गया था। फिर गाड़ी रिवर्स करते हुए एक पल रुका था। मैं शादी कर रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को दावत ज़रूर दूंगा, मेरी बीवी से भी मिल लेना तुम, यकीन करो वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, संजीदगी से इतला देते हुए वो ताबीन को पाताल में उतार गया था। फिर मजीद एक लम्हा भी वहाँ रुके बगैर गाड़ी आगे बढ़ा गया। ताबीन धुंधलाई आँखों से इसकी गाड़ी पर निगाहें जमाए पल पल झुकती ज़मीन पर ढहसी गई थी। आंसू अब खुलकर बहने लगे थे। हाथ की बंद मुट्ठी इसने सामने करके खोली। दूसरा सुरमई रंग के बटन इसके शफाफ हथेली पर मौजूद चमक रहे थे। इस पर निगाहें जमाए इर्द गिर्द से बहरा होकर वो बुलंद आवाज़ से चीखती किसी मासूम बच्ची की तरह तड़प तड़प कर रो रही थी, मिकाइल कहाँ है? डिनर के वक्त खाने की मेज़ पर इसकी कमी महसूस करते हुए नरमीन ने फैज साहब से इस्तफसार किया। इन्होंने खाने से हाथ रोककर बीवी की जानब देखा। हाँ, वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है, सरसरी अंदाज में जवाब देकर वो खाने में मगन हो गया, जबकि नरमीन को मजीद पूछने की जरूरत ना पड़ी। वो अपने बेटे के काम से बखूबी वाकिफ थी, लिहाजा इनकी बात पर सर हिला गई। महा अपनी प्लेट पर सर झुकाए बेदिली से खाना खाती रही। रह रहकर इसके दिमाग में तबीन का उजड़ा बिखरा रूप घूम जाता था। वह सास लड़की अपनी दोस्त के लिए दुखी थी। अपने तौर पर इसने बहुत समझाया था, इसे रोकने की कोशिश भी की थी कि जिस राह पर वो चलना चाहती है वह एक अंधी गली की तरफ जाता है, इसमें सवाए अंधेरे और कांटों के कुछ नहीं रखा है, मगर वो ना मानी थी, इसलिए अब ये तो होना ही था। हैरत की इंतहा तो तब हुई थी जब तबीन ने रोते हुए इसे सवाल किया कि तुम्हारा भाई शादी करने जा रहा है और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। हालांकि इसको खुद ना पता था कि इसने ऐसा क्यों कहा। इसे तबीन का अपने भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना हरगिज़ भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो इसकी मजीद सुने बगैर वापस अपने घर चली आई थी। और तब से लेकर अब तक वो इसी कश्मकश में थी कि आखिर तबीन ने ऐसा क्यों कहा। माह, नरमीन ने इसका खोया खोया अंदाज नोट करते हुए पुकारा। जी मोम। वो अचानक पुकारे जाने पर चूम गई। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही हो ठीक से?
इन्होंने इसे प्लेट में मुझे चावलों से खेलते देख कर टोका। तुम्हें नहीं तो मैं खा रही हूँ, जल्दी से जवाब देकर वो खाने की जाना मत बचाओगे, मैं बाधा कहीं वो मुझे इसे करेतने न लग जाए। पता नहीं क्या हो गया है दोनों बहन भाई को, अजीब ही मिजाज हो रखे हैं दोनों के, बता से सुसर झटकते हुए बड़बड़ाए। जिसे पास बैठे फैज बुखारी के कानों ने बखौ भी सुन लिया था। जब सुना तो इनके हलक में नवाला अटक सा गया, फौरन पानी का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। इस अरसे में दोनों ही मतवजा न हो सकी थी। फिर खाने के बाद वो अपने स्टडी रूम में आ गए। इनकी तमाम तर सोचें माजी की जानब प्रवास करने लगी। 2 साल 6 माह कबल जब मिकाइल अपने मिशन कैश दा कोबरा पर काम कर रहा था, जिसके सिलसिले में वो सरहद पार दुश्मनों की जंग में जा घुसा था, बहुत करीब था वो अपने मकसद के। पूरे 13 माह की इसकी मेहनत रंग लाने को थी। फिर कुछ हुआ था, कुछ ऐसा कि इसके बाद वो खो गया, हत्या कि इसके साथी भी इसे ट्रेस ना कर पाए। वो वतन का रखवाला जो मिलो दूर दुश्मन मुल्क में दुश्मनों के दरमियान अपने वतन की बका के लिए गया था, वो खुद दूर बनकर कहीं गायब हो गया। पूरे 5 माह हो गए थे मगर अब तक इसकी कोई खबर ना आई थी। इसके 2 दीगर साथी जो इसके साथ गए थे उनकी भी कोई खबर ना थी। किस कदर मजबूर था वो बाप के अपने बेटे की गुमशुद की भी इसी राज ही रखना थी। वो नरमीन या महा को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि किसी को मिशन डिस्क्लोज करने की इजाज़त हर किस ना थी। मगर क्योंकि वो खुद भी फौज का हिस्सा रहे थे इसलिए इन्हें हर चीज़ की खबर होती थी। वो आम आदमी की तरह अपने बेटे की गुमशुदगी के लिए थाने नहीं जा सकते थे, रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते थे। यही तो वो कीमत थी इस वर्दी की जिसे पहनने वाला वतन का महाफ़िज आखिरी सांस तक अदा करता है, जो अपने बारे में नहीं अपने वतन और हम वतनों के बारे में पहले सोचता है, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्लामिक रियासत के सरहदों की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देता है। इन्हें अपने बेटे के लिए अफसोस ना था बल्कि इन्हें इस पर फ़ख्र था क्योंकि वो बचपन से ही अपने बाबा जैसा बनना चाहता था। ये इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह फैज बुखारी के नक्शे कदम पर चले। मिकाइल हर मिशन पर जाने से पहले इन्हें आखिरी जुमले के तौर पर कहता था, मैं अगर वापस आया तो गाजी कहलवाऊंगा, अगर ना आया तो शहीद। आपको हर सूरत मुझ पे फ़ख्र होगा बाबा। और जब वो गाजी बनकर लौटता था तो इन्हें वाकई इस पे फ़ख्र होता था। मगर इस बार वो नहीं लौटा था, लेकिन इस बार भी इनके फ़ख्र को शर्मिंदा नहीं होने दिया था इसने, बल्कि हर बार से कई ज़्यादा बढ़ाया था। घर में शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी मगर वो यूँ हर चीज़ से लातलक नज़र आती थी, जैसे ये इसकी नहीं किसी और की शादी हो। फरजाना बेगम का मान रखने के लिए इसने हामी तो भर ली थी मगर खुशी की कोई रमक भी इसके चेहरे पर ना थी। कुछ देर कबल ही दूल्हे की वालदा मंगनी की रस्म अदा कर गई थी। चंद लोग लड़के की जानब से थे जबकि लड़की की जानब से इसकी वालदा और कुछ दोस्त थे जिनकी मौजूदगी में जिसको दरपर्दा इस शख्स के नाम की अंगूठी पहनाई गई थी जो इसकी सबसे बड़ी नफरत और सबसे बड़ा खौफ था। मगर वायरे नसीब वो तो अपनी लाइलमी में मारी जा रही थी और इसे अंदाज़ा तक ना हो रहा था कितना इसरार किया था फरजाना बेगम ने कि अनाज से एक बार मिलकर बातचीत कर लो, तुम्हारा हद अंदेशा जायल हो जाएगा। मगर इसने अनाज से मिलने या बात करने के लिए साफ मना कर दिया था। ऐसा करके वो एक तरह से अपनी माँ के सामने एहतजाज कर रही थी कि इसे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। वो नहीं जानती थी कि अपनी बेखबरी में वो कैसे ख्याम की राहें हवार कर रही है। शायद इसका अपना नसीब भी इसे इस शख्स की तरफ दगा दे रहा था। इस वक्त भी वो अपने कमरे में मुकीद थी जबकि नीता इसके सर पर खड़ी शादी की शॉपिंग के लिए साथ जाने को इसे मना रही थी। कितनी डेट हो गई हो जी तुम, कब से साथ जाने को कह रही हूँ मगर तुम ना ही कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी नहीं बल्कि पड़ोस में किसी की शादी है। दोनों हाथ कमर पर जमाए खड़ी वो इसे शर्म दिलाने को बोली मगर जिसके कान पर जोर तक तरेंगी। एक्चुअली हाँ शादी पड़ोस की भी तो है, आखिर को तुम्हारे वो सामने ही तो रहते हैं। दब से इसके पास गिरने के बाद निदा ने शोकी से कहते हुए इसे टोका मारा। प्लीज़ यार बस कर दो निदा, तुम तो मेरी पोजीशन समझो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, अम्मी किसी तौर समझने को तैयार नहीं है। मैं हर तरीका अपना चुकी हूँ इन्हें मनाने के लिए मगर वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, थकी हारी लहजे में कहती से अपनी कैफियत से आगाह कर रही थी। निदा ने हैरानगी से इसे देखा, आखिर तुम्हें इतना शदीद एतराज़ किस बात पर है जिस, तुम मुझे वजह बताओ तो मैं ही आंटी को समझाने जाऊँ ना, और फिर एक ना एक दिन तो ये होना ही था, इतना गैर मतवक्का क्या है इसमें तुम्हारे लिए, वो उल्टा इसे समझाने लगी।
जी सर पकड़ के रह गई। छोड़ो तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगी। वो मायूस हुई। तुम मुझे समझाओ आखिर क्या बुराई है अदनान में। इतने अच्छे बल्कि अच्छे खासी हैं वो जिस्त, मर्दाना वजाहत का एक बेहतरीन नमूना। एक पुलिस ऑफिसर, इतनी शानदार शख्सियत है उनकी। गर्ज इनमें वो हर क्वालिटी है जो एक लड़की को अपने पार्टनर्स में चाहिए। इतनी नाशुक्री हो लड़की तुम। निदा इसकी तारीफ में रोब तो शान थी। फ़ोन पर जब जिस ने इसे अपनी अफरा तफरी में होने वाली शादी के बारे में बताया तो एक पल को वो भी हैरान परेशान रह गई थी। मगर जब फरजाना बेगम से मिलकर इसने बात की तो इन्होंने उल्टा इससे इसरार किया कि वो एक बात अदनान और इसके घर वालों से मिलकर देख ले। अगर इसे वो फैमिली अपने दोस्त के काबिल ना लगी तो इनकार कर दे। निंदा ने भी हामी भरते हुए इससे मुलाकात की। अदनान से मिलने के बाद इसे वो हर तरह से जिस के लायक लगा था, इसलिए इसने भी ओके कर दिया था। और अब वो पिछले दो दिन से ना सिर्फ वहाँ मौजूद थी बल्कि जी को शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुराई है, मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी। बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी सोने की नाजुक सी अंगूठी घुमाते हुए वो मस्तराब दिखाई देती थी। लेकिन वेकन अगर मगर कुछ नहीं थी, तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम्हारा इनकार समझ में भी आता, मगर तुम्हारा ये इनकार भी लावजा है, इसलिए बिल्कुल गलत है। तुम ये सोचो कि इतने वक्त बाद आंटी के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है और ये सिर्फ तुम्हारी शादी की वजह से है, तुम उनका ही ख्याल कर लो, वो अफसुर्दगी से कहने लगी। जिस लम्बे से सोच में पड़ गई। ठीक है मैं चलती हूँ, बिलाखिर इसने रजामंदी दे ही दी। ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी करो, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और वक्त भी इतना कम। नीला पेशानी पर हाथ मारती हुई बोली, जबकि जिस सारी लाकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। मिसिस शफीक इन लोगों को कह दें कि मैं दो दिन बाद निकाह चाहता हूँ। वो भी साथ किसी आईने के सामने खड़ा वो शर्ट के बटन बंद करता हुआ इनसे मुखातिब था। वो बेड पर इसी के कपड़े फैलाए बैठी थी। सादगी से क्यों, माना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी धूमधाम से करना चाहती हूँ मैं तुम्हारी शादी। इन्होंने इसकी डल गोल्डन कलर की शेरवानी पर नजरें जमाए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वो टाई की नाट दुरुस्त करते हुआ मुड़ा। आपसे जो कहा है वो करे, मुझे कोई धूमधाम नहीं चाहिए, तो मतलब नहीं चाहिए। संजीदगी से इनकी जानब देखते हुए अपनी बात पर जोर दिया। हाजरा शवी का चेहरा फीका पड़ गया। इतने दिनों से तुम यहाँ हो, मकसद चाहे जो भी हो तुम्हारा, लेकिन जिस तरह तुम मेरा और शफीक साहब का ख्याल रखते हो, इस घर की जिम्मेदारी उठाई है, शायद मेरी अपनी कोई औलाद बिना इतना ना कर पाती। इनकी आंखों में इसके लिए माँ जैसी शफकत थी। इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मुझे किसी का मान रखना नहीं आता और मैं रखता भी नहीं। जो कुछ भी मैंने आप लोगों के लिए किया, इस पर मेरा अपना मकसद पोशीदा था। वो बिना कोई लगी लिपटी रखे कहता चला गया। इसकी बात पर दरवाजे से अंदर दाखिल होती फरजाना बेगम के कदम ठटक कर रुके। तुम भले ही इस घर में कई माँ से बतौर पेइंग गेस्ट रह रहे हो, लेकिन मेरे लिए बेटे जैसे ही हो और हमेशा रहोगे। वो इसकी बात का बुरा मनाए बगैर नरमी से मुस्कुराते हुए बोली। फरजाना ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया। इनकी आंखें हैरत से फैल गई थी। वो अब बेड पर पड़ा अपना कोट उठा के पहनने लगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार ये शादी हो जाए तो बीवी को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बेनियाजी से कहते हुए अचानक इसकी नगाह दरवाजे की ओर से झांकते दुपट्टे के किनारे पर पड़ी। इसके अमरी लबों पर मुस्कुराहट टेक गई। फरजाना आंटी से बात कर ले आप, नकाह की रस्म एक हफ्ते की बजाय कल ही अदा की जाएगी, वो भी साथ किसी। पैंट की जेबों में हाथ डाले दबे कदमों चौकड़ तक जाते हुए इसने ये बात बाजार शफका शफीक से कही थी, मगर सुनाई फरजाना बेगम को थी। कल ही, लेकिन तुमने तो एक हफ्ते बाद का कहा था। इसकी बात इनके पल्ले ही ना पड़ी थी, जबकि फरजाना के तो फरिश्तों को भी पता ना था कि वहाँ फरजाना मौजूद है। वो तो पहले दो दिन और अब कल नकाह का सुनकर ही हैरान रह गई थी। हाँ, और ये भी बता देना इनको कि मैं कोई ASP नहीं हूँ, वो चलते हुए बराह रास्त इनके सामने आकर बोला। फरजाना की आंखें हैरत से फटने के करीब हो गई, जबकि हाजरा की निगाह जूँ ही दरवाजे तक गई फरजाना को वहाँ देख कर बेसाख्ता इनका हाथ अपने सीने पर पड़ा। शीशी शीशी, आपने तो सब सुन लिया, वो मसनू तासुब से सर झटकते हुए बोला। हाजरा जो इनकी जानब आ रही थी ने इशारे से इसने वहीं रोक दिया। तो ये है तुम्हारा असल चेहरा, इनके चेहरे पर छाए हैरानी अब गुस्से में बदलने लगी थी। इनके सवाल पर कैसा निशाने उचका दिया, बेशक आप तो काफ़ी समझदार हैं, जेरे लब मुस्कुराते हुए तौसीफी अंदाज में कहा। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत वक्त रहते सामने आ गई, अब मैं खुद ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगी, जिस तुमसे शादी कभी नहीं करेगी, वो चीख पड़ी थी। आराम से आंटी जी, आपका BP हाई हो जाएगा, वो मसनूई फिक्रमंदी से बोला। जितना उतराना है उतरा लो, मैं ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ाऊँगी,
बेच बेटी तुम जैसे झूठे मकार और यार शख्स से हरगिज़ शादी नहीं करेगी। वो अपना फैसला सुना के खुले दरवाजे से वापस पलटने लगी थी जब केसर के अगले जुमले को सुनकर आसमान इनके सर पर आ गिरा था। ठीक है, फिर अपनी बेटी से कहिएगा कि वो तैयार है, कल पुलिस इसे गिरफ्तार करने को आपके दर पर खड़ी होगी, साथ मीडिया नुमाइंदगान भी। सुकून से दीवार के साथ टेक लगाते हुए इसने सफाकी से कहा। इसकी बात पर फरजाना बेगम का चेहरा फक हुआ। अपने वजूद का बोझ उठाने के लिए बेख्तियार इनके हाथ में दीवार का सहारा लिया था, जबकि वह अब चलता हुआ एक बार फिर इनके सामने आ गया। चमकती सी आँखें इनके चेहरे पर जमाए वो जरा झुका और राजदारी से गोया हुआ। मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस कत्ल का जो आपकी प्यारी बेटी के हाथों हुआ था 2 साल और 4 माह पहले। मेरा उसके मुखालिफ उठाया गया एक कदम उसे फांसी या उम्र कैद दिलवाने के लिए काफ़ी होगा। सर धीमा लहजा मुकाबल की रूप फना करने की ताकत रखता था। वो पत्थर का बुत बन गई थी। इनकी आंखों में आंसू भर आए थे। फिर वो ज़रा सीधा हुआ, अपनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। अरूसी लिबास और हाथों में हथकड़ियाँ, अपनी बेटी के लिए आप क्या पसंद करती हैं, ये फैसला मैं अब आप पर छोड़ता हूँ, मतमीन अंदाज में कहते हुए अब वो आदम बुरे हाथों में बालों में हाथ फेरा था। कल आऊँगा मैं आपके घर बारात लेकर, मेरी दुल्हन तैयार रखिएगा, वरना दूसरी सूरत में फिर ससुराल वाले आएंगे। उसे बाइज्जत ले जाने के लिए कमीनकी से मुस्कुराते हुए इसने बाइज्जत लफ्ज़ बाइज्जत पर खासा जोर दिया था। फिर सियाकोट को झटका देते हुए मजबूत चाल चलता वो घर से बाहर निकल गया था। फरजाना बेगम सर चेहरा और आँखों में खौफ लिए इसकी पुश्त तकती रह गई थी। इनसे आँखों की शैतानी चमक इन्हें खौफ से कांपने पर मजबूर कर गई थी। शाम के साए गहरे होने लगे थे, अंधेरा फैल रहा था और दिन रुखसत होने को था, मगर आने वाला कल कुछ और ही पैगाम ला रहा था। सिया रंग के ऑफिशियल सूट में मलबूस, हाथ में ब्रीफ केस थामे वो इस वक्त कोकान रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। अंदाज ऐसा था जैसे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ आया हो। पूरे एतमाद चाल चलता हुआ वे कोने वाली मेज की जानब आ गया। चेहरा काफ़ी संजीदा था, जबकि निगाहें बार बार मजबूत कलाई पर मौजूद सिल्वर घड़ी को देखती, जैसे इसी का इंतज़ार हो। लोगों का रश बढ़ने लगा था। इसके पास से 2 मेज़ छोड़कर बाजार मोबाइल स्क्रीन पर झुका वो आदमी चोर निगाहों से इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था, मगर इसकी जान बिल्कुल भी मतवजा ना था। सर, वेटर ने धीमे लैबो लहजे में इसे मतवजा किया, साथ ही मेन्यू कार्ड इसके सामने रख दिया। एक सरसरी नज़र इसने नगाह इसने अपने सामने खड़े वेटर के लिबास में मलबूस अलियान पर डाली। थैंक यू, फॉर्मल अंदाज में जवाब दिया, जबकि वेटर इस बात पर सर को खम देने के बाद इसकी मेज़ के पास से हट गया। पसंजीदा स्पार्ट चेहरे के साथ वैसे ही बैठा रहा वो सियाह फॉर्म आदमी। अब भी कनखनियों से इसका जायज़ा ले रहा था। दूसरी तरफ वो बोर होकर अब मेन्यू कार्ड खोलकर देखने लगा। जो ही इसने पहला सफ़ा पलटाया, इसे मेन्यू कार्ड के सफ़े पर कुछ चिपका हुआ नजर आया। वो सफ़ेद रंग के कागज़ का टुकड़ा तवीज़ के तौर तोड़ मरोड़ कर वहाँ चिपकाया गया था। बड़े आराम से सफ़ा पलटते हुए इसने वो तवीज़ की तरह मुड़ा हुआ कागज़ अंगूठे की मदद से उखाड़ लिया और हाथ की खफीफ सी हरकत के साथ वो कागज़ का टुकड़ा कोट के आस्तीन में अड़ा लिया और थोड़ी तले हाथ रखे कार्ड को सरसरी अंदाज में देखने लगा। 2 लोगों की बिना कहे ही आपस में बातचीत हो गई थी और ज़रा से फासले पर बैठे नज़र रखने वाले आदमी को इस गुफ्तगू की भनक भी ना पड़ी थी। वह अब इसी तरह के सरख्याम पर नगाह जमाए बैठा रहा था। मेन्यू कार्ड वापस मेज पर रखकर इसने कोफ़र से एक बार फिर घड़ी देखी। 5 मिनट बाद वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और ब्रीफ के साथ में लिए वॉशरूम की जानब बढ़ गया। सिया फॉर्म ने चूंक कर इसे जाते देखा। बिलाकर ताखीर वो भी इसके पीछे जाने के लिए लपका। तेज़ी से केसर तक पहुँचने की चाह में वो पास से गुजरते एक वेटर से टकराया। नतीजतन वेटर के हाथ में मौजूद जूस का गिलास इसके कपड़ों पर उलट गया था। ये क्या बदतमीज़ है, यू इडियट कराते हुए अंग्रेज़ी में वो इस वेटर को मोटी मोटी गालियों से नवाजने लगा। सॉरी सर, आप अचानक सामने आ गए और मैं देख नहीं पाया आपको, एजेंट आलियान ने मस्कीन सी सूरत बनाकर मुआजरत को आना अंदाज में कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अभी हटो मेरे रास्ते से, सिया फॉर्म ने गुस्से से दाटते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर धकेलना चाहा, मगर वो चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ा रहा था। सिया फॉर्म की परेशान निगाहें इस रास्ते पर जमी थी जहाँ से केसर गया था। वो जल्द अज जल्द इस तक पहुँचना चाहता था, मगर ये वेटर इसकी राह में रुकावट बना था। वॉशरूम में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद किया और सबसे पहले अपनी आस्तीन में छुपा वो कागज़ का टुकड़ा निकाला, फिर ब्रीफ केस वेशन के करीब काउंटर पर रखकर खोला। जल्दी से कोट, शर्ट और घड़ी उतार कर
ब्रीफकेस में रखे। फिर एक सफ़ेद रंग की ढीली डाली कमीज़ ब्रीफकेस से बरामद करके पहन ली। कलर स्प्रे निकाल कर अपने ब्राउन बालों को स्प्रे किया। कुछ ही सेकंड में ब्राउन बाल सफ़ेद रंग में तब्दील होने लगे। सफ़ेद दाढ़ी मूंछ लगाने के बाद इसने फाइनल टच के बाद सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा, नज़र का चश्मा भी लगा लिया। झुककर अपने सियाह जूते उतारे और नीचे मौजूद कैबिनेट खोला। सारे इंतजाम कर रखा है इसने, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए आलियान को दाद देने लगा। चप्पल निकाल कर पहना और अपने जूते वहीं कैबिनेट में रख छोड़े। साथ ही ब्रीफकेस भी बंद करके वहीं छुपा दिया। इस सब में इसका सिर्फ 3 मिनट किया था। दूसरी जानब आलियान ने अब तक इस आदमी को रोक रखा था। इतने में मैनेजर भी इसकी जानब मुतवज्जा हो गया। क्या प्रॉब्लम है, वो वेटर को तेज़ नज़रों से घूरते हुए पूछने लगा। वो सर मेरे हाथ से इसका इन पर जूस गिर गया है। शमीन की सर झुकाए वो इतराफ़ जुर्म कर रहा था, जबकि इस शख्स का बस नहीं चल रहा था कि अपने रास्ते में खड़े इन दो लोगों को गोली से उड़ा दे। सॉरी सर, इससे गलती से हो गई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वेटर को घूरने के बाद मैनेजर भी इससे माफ़ी माजरत करने लगा। मैंने कहा हट जाओ, तैश के आलम में कहते हुए इसने मैनेजर को परे किया और वेटर को धक्का दिया। तभी इसका हाथ पर कलाई के मुकाम से ज़रा नीचे बना कोबरा का टैटू आलियान की निगाहों ने देख लिया था और इसकी शर्ट पर लगे छोटे से बटन कैबना ने भी इस मंजर को कैद किया था। वो तेज़ नज़रों से वॉशरूम की जानब बढ़ रहा था कि तभी सामने से आते बुजुर्ग से टकरा गया। ओह सॉरी अंकल, सियाह फॉर्म ने उजरत में कहा, जिस पर बुजुर्ग ने महज सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। आज तो लगता है टकराने का दिन है। बुजुर्ग से माजरत करने के बाद वो अंग्रेजी जुबान में बड़बड़ाता हुआ जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। अंकल हो गया तेरा काम, सफ़ेद बालों में हाथ फेरते हुए धीमी आवाज़ में गराया था। फिर सर झटक तेज़ कदमों से चलता हुआ कोकान से बाहर निकल गया। पीछे ट्रे थामे लड़खड़ा आलियान इसकी बड़बड़ाहट पर बमुश्किल अपनी हंसी दबा गया। निदा अजीज इसके कमरे में बैठी आज अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, मगर इनका ध्यान वहाँ था ही कब। इनका सोचों का महवर तो इस शख्स की कुछ घंटे कबल कही गई बातों के गीत घूम रहा था। क्या से क्या हो गया था, इन कुछ घंटों में वो जो अपनी बेटी की शादी के लिए ख्वाब बने बैठी थी, अभी नहीं इसे बेटी का मुस्तकबिल तरीक होता नज़र आ रहा था। अपनी जल्दबाजी में ये कैसा फ़ैसला ले लिया था इन्होंने, वो तो जिसकी ज़िंदगी संवारने चली थी, फिर अब ये क्या होने जा रहा था इसके साथ। इन्होंने एक बेबस निगाह जिसके चेहरे पर डाली, वो निदा की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। दिल ही दिल में इस मुस्कुराहट की इन्होंने बुलाई ली थी और दायमी दुआ होने की दुआ की थी। कितने वक्त बाद तो वो मुस्कुराई थी, वो कैसे रोकती ये सब। सिर्फ आज की रात थी इनके पास और फिर कल का सोच कर ही इनके हाथ पाँव कांप उठते थे। वो वैश्य चमक इन्होंने तब इस शख्स की आंखों में देखी थी, इनका दिल दहल गया था। छठी इस बहुत कुछ बुरा होने का इशारा दे रही थी। क्यों कर रहा था वो आदमी ये सब, क्या मकसद कुशीदा था उसका इस सब में। क्यों वो जिससे शादी करना चाहता है जब किसी अच्छी तरह पता है कि जिससे कातिल है, फिर क्यों वो इसे अपनाना चाहता था। ये सारे सवाल फरजाना बेगम के दिमाग पर थोड़े बरसा रहे। सोच सोच कर इनका वजूद शल हो रहा था कि आखिर वो शख्स चाहता क्या है, जिस इनका खोया खोया सा अंदाज भाप गई थी। फिर जब निदा फ़ोन सुनने को बाहर वहाँ से उठ कर चली गई तो फिर आकर इसे पूछने का मौका मिला, अम्मी क्या हुआ है, इतना टेंशन में क्यों है। जिसने नरमी से इनका हाथ पर हाथ रख कर मुतवज्जा किया तो वह चूंक सी गई, हूँ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, इन्होंने संभल कर जवाब दिया। अब तो मैंने एक अच्छी बेटी की तरह आपकी बात भी मान ली है, क्या आप अभी भी नाराज़ हैं मुझसे। इनकी गोद में सर रखे वो दासी से पूछ लगी, इनकी आँखें आंसुओं से भीगने लगी। तुम बहुत अच्छी बेटी हो मेरी बच्ची, पर मैं शायद अच्छी माँ नहीं बन सकी, इन्होंने दुख से सोचा। बस यही सोच रही हूँ कि मेरी बेटी कल को अपने घर की होने जा रही है, अभी कल ही की तो बात लगती है, जब तुम अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे दुपट्टे का कोना थामती हर जगह मेरे पीछे पीछे चलती थी। शफकत से इसके बात सुलाते इन्होंने गुलोगीर आवाज में कहा, जबकि जिस इनकी बात पर मुस्कुरा दी। ये आदत मुझ में तैमूर भाई की वजह से आई है, वो अफसुर्दगी से बोली। फरजाना बेगम ने इस बात में सर हिलाया, हाँ क्योंकि तुम एक बार खो गई थी मॉल में, कहीं फिर से ना खो जाओ, इसलिए इसने ये हल निकाला था। अपने आंसू साफ करते हुए इन्होंने इसकी पेशानी चूम ली। इन्हें लग रहा था जैसे वो फिर से खोने जा रही है, अगर वाकई खो जाती तो अब तो अपनी गुड़िया को ढूंढने वाला वो भाई भी नहीं रहा था। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, कुछ बुरा ना होने देना इसके साथ मेरे मालिक। इसके चेहरे को आंसू से भरी आंखों से देखते इनका दिल बस ये एक ही दुआ कर रहा था, जबकि इनकी कैफियत से वो अनजान वो खामोशी से इनकी गोद में मुझ पाए आँखें मूंद गई थी। आंटी, वो हाजरा आंटी आई हैं आपसे मिलने। कमरे में दाखिल होती निदा ने इत्तला दी। वो इस वक्त जीस ने चूक कर सर हिलाया, घड़ी रात के 12 बजा रही थी।
हाँ वो शादी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके पास बेड पर बैठते हुए इसने मज़ीद इजाफा किया। अच्छा चलो मैं देखती हूँ, अपनी परेशानी छुपाती इन्होंने कहा और कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में आ गई। क्या बात रह गई थी अब करने को, हाजरा के सामने सोफे पर बैठती इन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। मुबादा जिस ना सुन ले, देखिए मैं मानती हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आप यकीन जाने बेटे से बढ़कर वो मेरे और शफीक साहब के लिए। 2 माह से वो इस घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा है, उसका मकसद जो भी था, मगर वो दिल का बुरा नहीं है, उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी। इतना ही नेक था इसका इरादा, तो क्यों मुझे पहले नहीं बताया आपने कि वो आपका बेटा नहीं है, एक SP भी नहीं है, फिर आखिर कौन है वो, क्या कोई बहरोपिया, इन्होंने बरहमी से पूछा। ये सब तो मैं खुद भी नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम केसर ख्याम है, वो बहुत कम टिकता है घर पर, ज़्यादातर वक्त वो बाहर रहता है, कहाँ रहता है ये बात मेरे इल्म में नहीं है, इन्होंने मुजरमाना अंदाज में बताया। और आप ऐसे शख्स की माँ बनकर उसका रिश्ता मांगने चली आई मेरे घर में, मैंने तो आप पर इतबार करके ये रिश्ता किया, ना कि आप एक अच्छी खतून है और वो आपका बेटा है तो उसकी तरबियत भी बेहतरीन होगी हुई होगी, इन्होंने तासुफ से कहा। मैं उसका रिश्ता लेकर आई हूँ क्योंकि मैं वाकई उसे अपना बेटा मानती हूँ फरजाना बेगम, भले ही उसकी परवरिश नहीं हुई मेरे हाथों, मगर मेरे लिए वो बेटे ही जैसा है, इसने मुसीबत के वक्त मेरी बहुत मदद की, शफीक साहब का इलाज का सारा बोझ उठाया, मैं एक बेऔलाद औरत हूँ, औलाद का सुख मुझ उस औरत में असर आया, आप चाहें तो उसे मेरी खुद गर्जी समझें या एक माँ की ममता, कि जब उसने मुझे रिस्क के लिए कहा तो मैं उसे मना नहीं कर सकी, एक माँ की तरह मैंने भी अपने बच्चे की ख्वाहिश जानकर उसके घर का दरवाज़ा, आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो अश्क बहाती हुई इन्हें हकीकत से गा कर रही थी, फरजाना बेगम को इनके अल्फाज की सच्चाई मालूम हो रही थी, वो वाकई एक अच्छी औरत थी जिसने एक गैर शख्स को अपना बेटा माना। अब तो वह इस ममता की अंधी औरत को इस शख्स की धमकी का किस मुँह से बताती, कैसे बताती कि इस शख्स के चेहरे पर वो शैतानियाँ देख कर इनका दिल खौफ से काँप गया। वो चाहता है कि कल ही निकाह हो जाए क्योंकि वो काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर चला जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस रिश्ते को ख़त्म ना करें, इनका लहजा इतजाइया हो गया था, फरजाना बेगम सद आ भर के रह गई।